यहाँ पे समझेंगे, और ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्या पैरामीटर्स है, क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्या आपका आउटपुट होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और ये वेबिनार 30 मिनट्स का रहेगा। 30 मिनट्स के बाद आप एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जो हम इसको आपके सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। सो बेसिकली थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल वेबिनार, और आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम फॉर होस्टिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार। सो ये वेबिनार में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया भर में बाइक सर्विस का बिजनेस कैसे होता है, ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ क्यों है, कोविड प्रूफ क्यों है, इश्यू प्रूफ क्यों है। आपको अगर आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ 20 दिन के अंदर आप ये इंडस्ट्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और आपको अपनी चीजों के लिए स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, और मैं आपको एक बाइक दोस्त का फ्रेंचाइजी मॉडल एक्सप्लेन करूंगा। अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाई एजुकेशन। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नंबर वन आया था। मैं 55,000 स्टूडेंट्स है पैन इंडिया। आई ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस इन 2010, विच इज ए हीरो मोटरसाइकिल डीलरशिप। हीरो जो इंडिया वर्ल्ड नंबर वन कंपनी है लास्ट 20 साल से, तो वो कंपनी का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं बॉम्बे सिटी में, तो हम उनके डीलर्स हैं। इसकी मैं आपको फोटोग्राफ्स भी आगे बताऊंगा। वी वेंट ऑन अ सेल्फ लर्निंग मोड फ्रॉम 2012 टू 2015, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटो मोड पे शिफ्ट कर दिया था, जिससे आपका इन्वॉल्वमेंट डे टू डे बेसिस पे जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन बी इन योर स्ट्रैटेजीज एंड डेवलपमेंट्स, बाकी आपका जो मैनेजर्स का टीम होता है, मैनेजर्स का टीम आपका डे टू डे बेसिस पे आउटलेट को मैनेज करते हैं। और एक यूज्ड बाइक का स्टार्टअप हमने चालू किया था 2015 में बाय द नेम रियल वैल्यू बाइक्स। ये रियल वैल्यू बाइक्स करके, जैसे आपका आपका कास्ट 24 हो गया, वैसे ही बाइक के इंडस्ट्री में हमने एक यूज्ड बाइक का स्टार्टअप चालू किया था। एंड एक बाइक दोस्त जब स्टार्टअप चालू किया था 2016 में, विच वॉज अ डोर स्टेप सर्विस कंपनी, मतलब कस्टमर के घर पे जाके सर्विस करने का पूरा मॉडल है, जो आज भी एक्टिव है, जो बॉम्बे में, पूना में और बैंगलोर में काम कर रहे हैं, और दिल्ली और मल्टीपल लोकेशंस में हम स्टार्ट करने वाले। और मेरा एग्जिस्टिंग वेंचर इज अ हीरो टू व्हीलर एसोसिएट डीलरशिप, और एज आई टोल्ड यू, ये बाइक दोस्त का फ्रेंचाइजी मॉडल, वी हैव स्टार्टेड एक्सपेंशन पैन इंडिया। सो बेसिकली हीरो टू व्हीलर का डीलरशिप, एक डोर स्टेप सर्विस का स्टार्टअप, एक सेकेंड हैंड बाइक का स्टार्टअप, और एक फ्रेंचाइजी मॉडल, ये सारे वर्टिकल्स हमारे किटी के अंदर आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये 30 मिनट्स का वेबिनार प्रेजेंटेशन होगा। आप आपके सारे डाउट, सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस जो भी है, एक पेपर पे लिख के रखिए, और सारे आंसर्स हम नेक्स्ट 15 मिनट में करेंगे वेबिनार 30 मिनट्स खत्म होने के बाद। और आप यहाँ पे एक टाइम निकाल के आ गए हो, तो हमारा रिक्वेस्ट है दैट प्लीज स्टे टिल द एंड, एंड तक आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू मिलेगा। ये मेरा हीरो टू व्हीलर के कुछ कुछ फोटोग्राफ्स है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा वर्कशॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा शोरूम है, तो ये आपको एक डेडिकेटेड सेटअप आपको देखने मिलेगा। तो ये बेसिकली हीरो ब्रांड का सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स का पूरा आउटलेट का काम है। ये रैंप होता है जहाँ पे बाइक को रख के पूरा सर्विसिंग का एक्टिविटी होता है। एक जूनियर टेक्नीशियंस का टीम होता है, एक टेलीकॉलर का टीम होता है, जो अलग अलग एंगल से कस्टमर्स को कॉल कर करके इन्वाइट करते हैं। एक सीनियर मैनेजर्स का टीम होता है, जो डे टू डे बेसिस पे टीम को हैंडल करते हैं। सीनियर टेक्नीशियंस का टीम होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे काम करते हैं। स्पेयर पार्ट का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे स्पेयर स्टोरेज होता है। वॉशिंग का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे पूरा बाइक का वॉशिंग का पूरा एक्टिविटी होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ बाइक सर्विस सेंटर। एक सेल्स का पूरा डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हीरो के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, स्प्लेंडर, पैशन, HF डीलक्स, ये सारी प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं। और स्प्लेंडर वर्ल्ड नंबर वन सेलिंग मोटरसाइकिल है, और ये मेरी सेल्स की टीम है, जो डे टू डे बेसिस पे सेल्स का एक्टिविटी देखती है। सो रीजन ऑफ शोइंग यू द फोटोग्राफ वॉज कि ये सेल्स और सर्विस का बिजनेस कैसे चलता है। नो डाउट आप हीरो या होंडा या बजाज या TVS, इनके ऑथोराइज डीलरशिप लेंगे तो 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप इनके खाली वर्कशॉप्स डालते तो भी 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बट आपको एक डिपार्टमेंट के तौर पर समझ में आ जाता है कि आपका एक टू व्हीलर सर्विस सेंटर में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। दैट वॉज माई प्राइम कंसर्न। और हमने जो बाइक दोस्त का फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया, वो एकदम कम इन्वेस्टमेंट, इंडिया का सबसे सस्ता, इंडिया का सबसे इकोनॉमिकल फ्रेंचाइजी मॉडल हमने बनाया, जिसमें एकदम कम इन्वेस्टमेंट में आपका सर्विस सेंटर चालू होता है, जो एक मल्टी ब्रांड होता है। ये तो मैंने आपको मेरी हीरो के फोटोग्राफ बताया है, बट हमारा जो होता है वो एक मल्टी ब्रांड आउटलेट होता है, जहाँ पे आप सारी गाड़ियों का सर्विस कर सकते हो। सो ये वेबिनार में हम टू व्हीलर सर्विस का लेआउट देखेंगे, मार्केट का साइज और पोटेंशियल देखेंगे, मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको बाइक दोस्त का फ्रेंचाइजी मॉडल बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, एंड तक आप
एटलीस्ट ये तो समझ जाओगे कि इंडिया भर में टू व्हीलर का सर्विस का बिजनेस कैसे होता है। अगर मैं सर्विस लेआउट की बात करूँ तो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर इन द वर्ल्ड। पूरे इंडिया में मैक्सिमम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पीपल आर मोर वैल्यू कॉन्शियस, मतलब कोई अपना सर्विस 2-3-4-6 महीने में करवाता रहता है। जो ब्रांड्स है वो नई नई गाड़ियों को लॉन्च करते रहते हैं, लाते रहते, तो नंबर गेम चलता रहता है। वो ब्रांड लॉन्च करती रहती है और सर्विस में गाड़ियाँ आती रहती है। कस्टमर ऑथोराइज वर्कशॉप तक अपना वारंटी पीरियड तक विजिट करता है। जैसे ही वारंटी पीरियड खत्म होता है ऑलमोस्ट 85% कस्टमर्स वो फ्री ऑथोराइज में जाना बंद कर देते हैं, लोकल गैराज में चले जाते हैं। इंडिया का टू व्हीलर का पॉपुलेशन है 25 करोड़, मतलब 135 करोड़ आबादी में 25 करोड़ टू व्हीलर आज के तारीख में ग्राउंड लेवल पे चल रही है। इट इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय 40 करोड़ बाय 2025। इसका रीजन है मेट्रो सिटीज और टीयर टू टीयर थ्री में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी में मतलब स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, डूंजो, वोगो, बाउंस, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये सारे जो स्टार्टअप्स है ये टू व्हीलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये स्टार्टअप्स का ही मोटा मोटा 4 करोड़ का पॉपुलेशन टू व्हीलर का बढ़ने वाला है। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट जो अपना गवर्नमेंट का है, रोड बन रहे हैं, रेल्स बन रहे हैं, स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए भी बन रहे हैं, तो ये इसके वजह से टाउन पॉपुलेशन भी बढ़ने वाला है और बाइक का पॉपुलेशन भी बढ़ने वाला है। और कोविड का जो इफेक्ट चल रहा है जो अगले और 6 महीने 1 साल तक रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक प्रिफर नहीं कर रहा है, उनको प्राइवेट मोबिलिटी चाहिए और पर्सनल मोबिलिटी में टू व्हीलर का ही ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। मार्केट की साइज की अगर मैं बात करूँ तो 25 करोड़ टू व्हीलर, जैसे मैंने बताया, अगर 3-3 सर्विस भी करवाते हैं तो 75 करोड़ टू व्हीलर हो जाता है। 75 करोड़ टू व्हीलर में एवरेज बिल पैन इंडिया बनता है आपका 1000 रुपये, तो 75,000 करोड़ का मार्केट है। इसमें मैंने नया गाड़ी तो पकड़ा ही नहीं, खाली सर्विस का मार्केट है 75,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर का इंडिया का मार्केट है। नई गाड़ी अगर मैं देखूँ तो 1 महीने के अंदर 15 से 20 लाख गाड़ी नई बिक रही है पैन इंडिया। तो सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ पर मंथ, जैसे 75 करोड़ सर्विस पर ईयर है, पर मंथ 1.25 करोड़ सर्विस है, 110,000 वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें से 25,000 ऑथोराइज वर्कशॉप होंगे और 85,000 मोटा मोटा मल्टी ब्रांड वर्कशॉप होंगे। तो एक आउटलेट का पोटेंशियल होता है 450 से 500 एवरेज, 450 से 500 एवरेज की अगर मैं बात करूं, बट एवरेज में अगर आप मल्टी ब्रांड देखोगे तो 250 से 300 गाड़ी आती है एक मल्टी ब्रांड आउटलेट के अंदर। अगर 250 से 300 गाड़ी आती है, आप इंडिया में कोई भी कोने पे बैठो, टीयर 1 टीयर 2 बॉम्बे, दिल्ली, पटना, बिहार, रायपुर, जहां पे भी आप बैठो, आपका रेंट, आपका ईएमआई, आपका लोन, आपकी सैलरीज, आपके सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपको 75,000 से 80,000 आपको इनकम हो सकता है। 250 से 300 गाड़ी में सारे खर्चे निकालने के बाद 70 से 80 हज़ार आपको इंडिया के कोई भी कोने में हो सकता है। हाँ, 250 से 300 गाड़ी आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर नहीं आएगी। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई शेयर बाजार नहीं है, ये कोई MLM मार्केटिंग नहीं है, ये कोई पोंजी स्कीम नहीं है। ये डेडिकेटेड बिजनेस है जहाँ पे आपको 6 महीने 1 साल खून पसीना एक करना पड़ेगा। सारी स्ट्रैटेजीज आपको हमारे तरफ से मिलेगी, हम भी पूरा एफर्ट लगाएंगे और आपके और हमारे एफर्ट के पीछे ये 300 गाड़ी तक अपने को 1 से 1.5 साल के अंदर पहुंचना है। एंड इट इज़ अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस। अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये के बिल के अंदर 500 रुपये अपने को मार्जिन मिलता है। एंड इट इज़ अ कैश बिजनेस। ये क्रेडिट वाला बिजनेस नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका टिपिकली होता है ना, आपका माल जाने के बाद 3-6 महीने के बाद आपको पेमेंट आता है। बट दिस इज अ कैश बिजनेस, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 45 से 50% है। बहुत सारी इंडस्ट्री 2-3-5% पे काम करती है, ये इंडस्ट्री 45-50% पे काम करती है। मार्केट का आज का प्रॉब्लम क्या है? पैन इंडिया ऑथोराइज नेटवर्क पे बहुत ज्यादा कस्टमर से चार्ज लिए जाते हैं, इसके वजह से लोकल मैकेनिक और लोकल गैराजेस भी बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। कस्टमर ऑथोराइज चैनल तक वारंटी पीरियड तक चला जाता है, बाद में वो मल्टी ब्रांड में निकल जाता है। जेन्युइनिटी, पार्ट्स का क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट फैक्टर, ये सारे प्रॉब्लम्स आज के तारीख में है। ये सारे प्रॉब्लम्स का अगर मैं एक कंसोलिडेटेड चीज देखता हूँ तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी गैप। ये अपॉर्चुनिटी गैप इतना बड़ा है कि अगले 2-3 साल के अंदर अगर 10,000, 15,000, 20,000 वर्कशॉप भी ऐड हो जाते तो भी सबको इक्वल बिजनेस मिलेगा। एंड दोनों फॉर्मेट के बीच में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है। इसको कवर करने के लिए और 4-5 साल तक वर्कशॉप्स ऐड होते रहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। और अपॉर्चुनिटी गैप के सामने अगर मैं बेसिकली अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बेस्ट पार्ट इज यू नीड नॉट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड।
आपको ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से होने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉन ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड में जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है, तो भी आपको 2 महीने के अंदर पूरी बिजनेस की नॉलेज बाइक दोस्त आपको दे देता है, बाइक दोस्त के ट्रेनिंग प्रोसेस के इसके थ्रू सारे ट्रेनिंग प्रोसेसेस मिला के 2 महीने के अंदर आपको सारा इंडस्ट्री का नॉलेज आ जाता है, तो आपको ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी गैप को फिल करने के लिए बाइक दोस्त पिक्चर में आता है। बाइक दोस्त में बेसिकली वी आर इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स, इंडिया की स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स हमारी है, तो आपका ये देखेंगे वी आर अ टेक्नोलॉजी अनेबल्ड नेटवर्क ऑफ टू व्हीलर वर्कशॉप्स वेयर वी डिलीवर बेस्ट इन क्लास कस्टमर्स टू द बेस्ट इन क्लास सर्विसेज टू द कस्टमर। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे वर्कशॉप जुड़ जाते हैं और टेक्नोलॉजी डिजिटली पूरा वर्कशॉप रन होता है और सारे वर्कशॉप मिला के एक स्टैंडर्ड कस्टमर सर्विस हम दे पाते हैं पैन इंडिया। अगर मैं कुछ कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूं तो ऐसा आउटलेट का मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड आपका आउटलेट का जो मेन बोर्ड होता है आपको हम देते हैं। तो ये एक में बाइक दोस्त का लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो होता है, राइट हैंड साइड पे टू व्हीलर स्मार्ट सर्विस करके हमारी टैगलाइन है और हमारा डीलर का नाम आता है एमआर मोटर्स करके। सो बेसिकली ये एमआर मोटर्स के डीलर के सामने गुजराती में भी एमआर मोटर्स हम लिखते हैं, सिंस ही इज इन गुजरात, सिंस ही इज इन गुजरात तो हमने गुजराती में लिखा हुआ है। एक हमारा डीलर है V9 मोटर्स करके जो महाराष्ट्र में है पूना में, तो इनका हमने V9 मोटर्स मराठी में लिखा हुआ है। तो ये को ब्रांडेड बोर्ड हम बनाते हैं, आपके आउटलेट के दीवारों के अंदर जितना भी बैनर्स पोस्टर्स डैंगलर्स ये सारी चीजें होती है ये भी आपको हमारे तरफ से मिलती है। आपके आउटलेट पे 2 बे का वर्कशॉप पूरा बनता है, 2 बे का डेडिकेटेड वर्कशॉप बनता है, जो डेडिकेटेड वर्कशॉप के अंदर टूल्स मशीनरी की पूरी किट बन जाती है। ये किट आपको कंसोलिडेटेड किट आती है जिससे आपका पूरा वर्कशॉप फुल्ली हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक फुल्ली इलेक्ट्रिक फुल्ली न्यूमेटिक बनता है। और बाहर से आने वाले कस्टमर को लगता है कि ये पूरा जो आउटलेट है ये बेसिकली एक हम जो बोलते हैं ना एक मिनी हीरो मिनी होंडा या मिनी सुजुकी का एक वर्कशॉप बन जाता है। तो ये पूरा जो वर्कशॉप बन जाता है ये पूरा आपका आउटलेट ऐसा सेटअप होता है। ये आउटलेट अगर आप सेटअप देखोगे तो बेसिकली ये बोर्ड ब्रांडिंग जैसे मैंने बताया आपको हम देते हैं, पूरा एक डेडिकेटेड टू व्हीलर का आउटलेट अपना बन जाता है। ये फोटो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसमें थोड़ा 2 सेकंड पॉज करता हूँ, ऐसा पूरा आपका आउटलेट बन सकता है। पूरा आपका ये आउटलेट का सेटअप हम करके देते हैं। सारी मशीनरी में आपको 2 रैम कंप्रेसर पावर पैक एयर गन न्यूमेटिक गन हैंगर बैटरी चार्जर टूल किट टूल बॉक्स टूल टूल ट्रॉली ये सारी चीजें आपको हमारे तरफ से आती है। काफी सारे पेपर्स में भी हमारे आर्टिकल्स आते रहते हैं पब्लिक रिलेशन के एंगल से, जिससे लीड जनरेशन भी होता है और कस्टमर्स का अवेयरनेस भी बढ़ता है। बहुत ही रिसेंटली हमको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला था जो फ्रेंचाइजी अप्लाई कंपनी से, जिनका वेबिनार आप अभी अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी अप्लाई कंपनी अपने आप में टॉप 3 पोजीशंस में आती है पैन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट। तो हमको जो ट्रॉफी मिली थी दैट इज इंडिया मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब सबसे सस्ता सबसे स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सबसे तेजी से बढ़ने वाला फ्रेंचाइजी मॉडल, ये हमको सर्टिफिकेट फ्रेंचाइजी अप्लाई कंपनी से मिला था, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा खिताब है हमारे लिए। टू व्हीलर सर्विस सेंटर स्पेस में हमको ये खिताब मिला था। और मैं मेरे एग्जिस्टिंग और मेरे अपकमिंग फ्रेंचाइजीज की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज आपकी हमारी है आज के तारीख में बड़ौदा पूना कलकत्ता सिलीगुड़ी केरला भिवाड़ी राजस्थान लोनावला। अपकमिंग की बात करूँ खंडवा मध्य प्रदेश गुड़गांव झारखंड उड़ीसा हिमाचल प्रदेश जम्मू में 2 लोकेशन में आ रहा है सासाराम बिहार बागा बिहार। और रिसेंटली हमको एक औरंगाबाद का भी एक टोकन हमने फाइनल किया विच इज इन महाराष्ट्र। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, आपके लाइव वेबिनार में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ औरंगाबाद। ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा अगले 20 दिन के अंदर। और दूसरा हमारा एक टोकन आया हुआ है मीरठ करके विच इज इन UP। तो ये सारे टोकन भी हमको आ गए, तो ये मैं लाइव वेबिनार में ये 2 लोकेशन ऐड कर रहा हूँ। सो आप देखोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स मैक्सिमम वी विल बी इन 15 स्टेट्स एंड 35 आउटलेट्स। मोटा मोटा हम 35 स्टोर्स पे पहुंच जाएंगे और ये 35 स्टोर्स इंडिया के 15 स्टेट में होंगे, जो इंडिया के 15 स्टेट्स आउट ऑफ 29 स्टेट्स।
आधे इंडिया स्टेट्स हम कवर कर लेंगे। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूँ तो हम कोई केमिकल इंडस्ट्री का बिजनेसमैन था, कोई ऑटो इंडस्ट्री का बिजनेसमैन था, कोई आईटी में जॉब कर रहा था, कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कोई एग्जिस्टिंग बजाज का वर्कशॉप चलाने वाले बंदे भी हमारे साथ जुड़े। स्पेयर पार्ट की दुकान, टू व्हीलर की स्पेयर पार्ट की दुकान जो 15 साल से कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। और लोनावला वाला जो हमारा बंदा है वो कंस्ट्रक्शन में उनका बिजनेस है। फिर बाकी आप अगर देखोगे तो कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बंदा है, वेस्पा का डीलर है, बजाज का डीलर है, एडुकेशन बैकग्राउंड से है। तो नॉन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, जॉब और बिजनेस, आठों कैटेगरी से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा स्पेयर पार्ट एफिलिएशंस की भी हम बात करूँ तो वी हैव टाइड अप विद मोबिल, कैस्ट्रोल, हेला, ग्रीव्स, हीरो ब्रोकिंग, रैल्को, सीएट, मिंडा, ये सारे ब्रांड्स के साथ हमारा टाइप है जो पैन इंडिया लेवल पे हम आपको आपके आउटलेट पे हम जो भी ऑयल और स्पेयर पार्ट और वैल्यू एडेड सर्विस हम आपको लाके दे सकते हैं। और अगर मैं B2B एफिलिएशंस की बात करूँ तो B2B एफिलिएशंस में बेसिकली आपका हमारा स्विगी, जोमेटो, सोडेक्सो, डोमिनोज, शेडोफेक्स, रिन्यू बाई, व्हील, CMI, ये सारी कंपनी का हम B2B का बिजनेस करते रहते हैं, आगे भी करेंगे और आपको भी हम ये सारा बिजनेस ला के देंगे। बोर्ड मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं माइसेल्फ आई एम द डायरेक्टर, रविशंकर हमारे और एक डायरेक्टर है, हमारे बाकी के बोर्ड मेंबर्स शिशिर गांधी और प्रबोध कक्कर है। और ये सारे कोई IIT के बैकग्राउंड से, कोई IIM के बैकग्राउंड से, कोई मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से कंबाइंड, ये सारे लोगों का एक्सपीरियंस अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पकड़ू तो आवर कंबाइंड एक्सपीरियंस इज 62 ईयर्स। 6 डिकेड का एक्सपीरियंस हम लेके आ रहे हैं और 6 डिकेड का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे बाइक दोस्त में डाला हुआ है। बेसिकली 62 ईयर्स का हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे बाइक दोस्त में है। तो अगर मैं डिफरेंशियल अप्रोच की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कस्टमर एंगेजमेंट के माध्यम से, ब्रांड्स के साथ कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने के माध्यम से, आपके वहाँ पे बिजनेस बढ़ाने के माध्यम से, क्वालिटी स्पेयर पार्ट, क्वालिटी ऑयल, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ हम आपके वहाँ पे करते रहेंगे। हमको, हम अगर इतना बैकग्राउंड में मेहनत करेंगे तो हमको भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जो ईमानदार हो, हार्ड वर्किंग हो, एथिकली और प्रिंसिपली जो बाउंडेड हो, जिनको 1+1 2 समझ में आता हो, जिनको 1+1 11 समझ में ना आता हो, और बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। 250 से 400-500 square feet आप ले सकते हो। आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए, ऑटोमोबाइल बिजनेस पसंद आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पसंद, सिस्टम्स एंड प्रोसेस आपको फॉलो करना अच्छा लगना चाहिए, रीजनेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि यहाँ पे अगर छोटा मोटा 2-3 महीने में लॉस भी होता है तो आपका एक रीजनेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बैकअप आपका होना चाहिए, और कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा ये इंटेंशन है कि हमारे फ्रेंचाइजी कितना जल्दी अपना सारा खर्चा निकालने के बाद 50,000 से 1 लाख रुपए तक इनकम तक जाए, हमारा ये इंटेंशन है। और ये इंटेंशन के लिए हमको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग चाहिए और बहुत ही सीधे साधे लोग चाहिए जो धंधे में एफर्ट डाले, अपना जान डाले और धंधे को बड़ा करें। सो बेसिकली बाइक दोस्त के साथ आपको पार्टनरशिप करने में क्या फायदा है? सेल्स एंड मार्केटिंग का सपोर्ट, कस्टमर एंगेजमेंट का सपोर्ट, सेंट्रलाइज टाइप, लोकेशन ढूंढने में सपोर्ट, इंटीरियर के सेटअप का सपोर्ट, मार्केटिंग का सपोर्ट, IT का सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको बाइक दोस्त के तौर पे मिलती रहेगी। 5 लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो HR, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर बढ़ाने के एंगल से, आपके आउटलेट में फुटफॉल्स बढ़ाने के एंगल से टोटली 5 लोग जुड़ेंगे। ये 5 लोगों का सैलरी है 80 से 90 हज़ार। ये सैलरी आपको पे नहीं करना है, ये हम पे करते हैं। और आपको फुल्ली लोडेड वेब पोर्टल मिलेगा, एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका खर्चा 3 लाख रुपये होता है। ये 3 लाख रुपये भी हम अपने फ्रेंचाइजी से नहीं लेते, हम फ्रेंचाइजी को ये डिजिटल टूल कंप्यूटर से ये चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, जिसमें पूरा IT सिस्टम्स है जो आपके पूरे वर्कशॉप को चलाने के लिए जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसेस लगते हैं, इन्वेंट्री, कॉलिंग, जॉब कार्ड, बिलिंग, SMS, WhatsApp, सारी चीज़ें हमारे टूल में है। ये टूल भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये दोनों के पीछे हमारी रॉयल्टी भी नहीं है, लेबर के ऊपर हमको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, प्रॉफिट के ऊपर हमको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। हमको खाली एक फिक्स मैनेजमेंट फीस हमारी होती है विच इज 5,000 रुपीज प्लस GST। हमारी जो मैनेजमेंट फीस होती है, ये मैनेजमेंट फीस इतनी छोटी मैनेजमेंट फीस होती है, ये मैनेजमेंट के फीस के पीछे आपको 5 लोगों का टीम मिलता है और एक डेडिकेटेड आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, तो आप आराम से आपका पूरे आउटलेट को रन कर सकते हो। तो ये मैनेजमेंट फीस हम Day 1 से लेते हैं
और बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है मैं आगे के स्लाइड्स में बता रहा हूँ। सो कंटिन्यूस बेसिस पे सपोर्ट रहता है एसएमएस के मार्केटिंग से एंगल से अगर मैं बताऊँ तो एसएमएस व्हाट्सएप हम करते रहते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लीड जनरेशन कंपनी से काम करना, इंश्योरेंस कंपनी, पीयूसी वैन, पेट्रोल पंप, पार्किंग लॉट, सोसाइटी कैंपेन्स, टेलीकॉलर्स, फील्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट टाइप, इंस्टीट्यूट टाइप एंड मेनी मोर। कंटिन्यूस बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ चीज़ें हम आपसे करवाते हैं, तो कंटिन्यूस बेसिस पे इसका आउटपुट आता रहता है। ये जो टूल्स मशीनरी है उसका मैं आपको एक स्लाइड बता रहा हूँ, आपको इसमें मोटी मोटी चीज़ें पता नहीं चलेगी, बट बेसिकली दो रैम, कॉम्प्रेसर, पावर पैक, एयर गन, न्यूमेटिक गन, बाइक वॉश करने का मशीन, हैंगर, टूल्स ट्रॉली, टूल बॉक्स, एयर फिल्टर ट्रॉली, बैटरी चार्जर, आपको 300-350 गाड़ी तक जाने के लिए जो भी आपको टूल्स एंड मशीनरी का सपोर्ट लगेगा ये सारी सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं। और आपका पूरा ये टूल्स मशीनरी का किट हम डे वन पे सप्लाई करते हैं जिससे आपको एक दो साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 40 से भी ज़्यादा चीज़ें आपको आती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पार्टीशन, प्लम्बिंग, टाइलिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग, कारपेंटर, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपको आपके खर्चे पे करनी पड़ती है। इसका हम आपको इंटीरियर का फाइल देते हैं, इंटीरियर का फाइल आप हमसे लेके आपका पूरा आउटलेट रेडी कर सकते हो और रेडी करके आपका पूरा आउटपुट यहाँ पे आ सकता है। सो अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, अगर मैं आपको बिजनेस की बात करूँ कि आपको पर मंथ कितना एक्सपेंस होगा और पर मंथ आपको कितना इनकम आएगा, पर मंथ आपको कितना एक्सपेंस आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इंडिया में अगर आप कहीं पे भी हो, टीयर वन टीयर टू लोकेशन पे हो, आपकी खुद की जगह या तो रेंट की जगह, रेंट की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 से 25,000 से 30,000 आपका रेंट हो सकता है। दो टेक्नीशियंस 9,000-18,000 में आपको मिलते हैं टीयर टू में, टीयर वन में आपको 20,000 में मिलेंगे। एक सेल्स और सर्विस एडवाइजर आपका 12,000 में मिलेगा, या तो एक टेलीकॉलर आपको 12,000 में मिलेगी, दो में से एक बंदा हम रख सकते हैं, उनको इंसेंटिव भी देना पड़ता है। फिर आप अगर लोन लेते हो तो लोन का ईएमआई, टी कॉफी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सारा पकड़ के आपका 5,000 से लेके 10,000 से लेके 15,000 अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग आपको एक एक्सपेंसेस का ये होता है। और बाइक दोस्त का मैनेजमेंट फीस अगर मैं पकड़ू, अगर मैं 5,000 रुपीज भी अगर पकड़ तो मोटा मोटा आपका महीने का जो खर्चा होता है ये 40,000 से लेके 75,000 का महीने का खर्चा होता है। मोटा मोटा 40,000 से लेके 75,000 का आपका खर्चा होता है आपके अलग अलग लोकेशन को और आपके सिचुएशन को पकड़ने के बाद। आप इस पे रेंट पे हो सकते हैं, आपकी खुद की जगह हो सकती है, आपके खुद के फंड्स हो सकते हैं, तो ये इतना आपको एक्सपेंस जाएगा। अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 100 गाड़ी 200 गाड़ी 300 गाड़ी, इसमें अगर मैं बात करूँ तो 100 गाड़ी में लेबर का मार्जिन, पार्ट्स और ऑयल का मार्जिन, वेस्ट ऑयल और स्क्रैप का मार्जिन, काउंटर सेल्स का मार्जिन, वैल्यू एडेड सर्विस, कोटिंग, इंजन फ्लश, डी कार्बन इंश्योरेंस, रिन्यूअल इंश्योरेंस क्लेम, ये सारा बिजनेस पकड़ के आपका मोटा मोटा 75,000 के खर्चे पे 100 गाड़ी के अंदर आपका 5,000 का नुकसान हो सकता है। 100 गाड़ी इज पर मंथ, और ये 100 गाड़ी इज पर मंथ मतलब 3 पर डे। अगर आपकी 100 गाड़ी आ गई और आप टीयर टू लोकेशन पे हो तो आपका 10-15,000 प्रॉफिट भी हो सकता है। और टीयर वन लोकेशन पे अगर आपको दिन की 2 से 3 गाड़ी आती है, अगर आपकी 70-80 गाड़ी डे वन पे आती है, विच इज वेरी मच पॉसिबल, अगर आपकी 70-80 गाड़ी डे वन पे आती है तो आपका आपका 10,000 रुपये लॉस भी हो सकता है। बट साइमल्टेनियसली अगर आप नया गाड़ी का बिजनेस करो, सेकेंड हैंड बाइक्स का बिजनेस करो, आरटीओ इंश्योरेंस का बिजनेस करो, तो मोटा मोटा आपको प्रॉफिट पे आप जा सकते हो। 200 गाड़ी आपको आ सकती है एक साल के एंड में, 200 गाड़ी के लिए आपको 43,000 प्रॉफिट भी हो सकता है सेल्स, और उसके साथ आपको 1,00,000 रुपये मिल सकता है। 300 गाड़ी आपकी 1 से 1.5 साल में आनी चाहिए, जिसका टारगेट आपको भी लेना है, हमको भी लेना है। और ये 300 गाड़ी अगर आपकी आ जाती है तो 300 गाड़ी में 1,00,000 रुपये आपको खाली सर्विस बिजनेस से मिल सकता है, बाकी एक्स्ट्रा बिजनेस से आपको 1,50,000 रुपये भी मिल सकता है। एंड दीज आर प्रैक्टिकल फिगर्स, दीज आर ऑनेस्ट फिगर्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपके कोई भी बंदे से आप टैली करवा सकते हो, किसको अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है तो आप किसके साथ भी आपको टैली करवा सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एंगल से अगर मैं ये बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो मोटा मोटा लोकेशन ढूंढने में आपको 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, 20% हमारी होती है, हम आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके आउटलेट बनाने की बात करूँ तो 20% फ्रेंचाइजी का काम है,
जिसमें खाली पेंटिंग, कारपेंटर, फर्नीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ये सारे काम आते हैं, बाकी आपका पूरा आउटलेट बनाते हैं हम है, विच इज 80%। एचआर टीम रिक्रूटमेंट रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 70% जवाबदारी हमारी है, ट्रेनिंग की 100% जवाबदारी हमारी है, मार्केटिंग और गाड़ी बढ़ाने में 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है हमारी भी है, 90% स्ट्रैटेजीज की जवाबदारी हमारी है, 100% इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आप 1 साल बाद बंद करोगे, आपको लॉस होगा। सो स्ट्रैटेजीज हम जो देते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट लाने का जो ये है, ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसमें वर्ड चेंज कर दूंगा, प्रॉफिट या तो मैं ऐसे बोलूंगा रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेवेन्यू लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 40% हमारी होती है, बट 60% आपकी भी होती है, मतलब आप अगर सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका रेवेन्यू 60% आपकी जवाबदारी से आ ही जाएगा। बाकी जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग के एंगल से, लीड लाने के एंगल से, टीम को लाइनअप करने के एंगल से, लीड्स को कॉल करने के एंगल से, एंटरटेन करने के एंगल से, कन्वर्जन के एंगल से, ये सारी चीजों में 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पेयर पार्ट ऑयल वैल्यूएटेड सप्लाई आपको 100% हमारे से मिलेगा, और टेक्नोलॉजी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। बेसिकली जगह आइडेंटिफाई करना और सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैसा डालोगे तो जगह आइडेंटिफाई होगा, आपका सेटअप भी हो जाएगा, बट मेन टारगेट है इसको रन करना, और रन करने के बाद यहाँ से प्रॉफिट्स कमाना। रन करके अगर आप प्रॉफिट कमाओगे सो दैट इज वॉट द फ्रेंचाइज इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमको फ्रेंचाइजी की एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एंथुजियाज्म, फाइनेंशियल बैकिंग, लॉस मेकिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें हमको फ्रेंचाइजी के तौर पे लगती है। हमारी विजन की अगर मैं बात करूँ तो वी वॉन्ट टू बी प्रेजेंट इन 100+ सिटीज एंड टाउन्स बाई 2025। 2000 लोगों को हमको पार्टनर एंटरप्रेन्योर बनाना है, वायबल सस्टेनेबल फ्रेंचाइजी स्टोर्स हमको बनाना है, 40,000 हैप्पी फेसेस हमको देखना है, जिसमें 40,000 लोगों के साथ हमारे हैप्पी फेसेस मतलब फ्रेंचाइजी के ओनर्स, उनके टीम मेंबर्स और सारे लोगों के परिवार वाले, तो ये सारे लोगों को मिला के हमारा 40,000 लोगों का हैप्पी फेसेस देखने का भी हमारा विजन है। 50,000 लोगों को हमको जॉब देना है, 1 मिलियन कस्टमर्स को हमको केटर करना है अगले 5 साल में। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बेसिकली आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, पहला टोकन आपका आएगा, आप जगह ढूंढोगे, दूसरा टोकन दोगे, हमारे तरफ से हम आपको लेटर देंगे, आपका पिन कोड हम ब्लॉक कर देंगे, आपके पिन कोड पे हम बाकी किसी को अलाउड नहीं करेंगे 1 महीने के अंदर, फिर आपका साइट सेटअप करोगे, आप पेंटिंग, कारपेंटर, फर्नीचर का काम करोगे, हमारे तरफ से मटेरियल डिस्पैच होगा, आपका टीम रिक्रूट होगा, सारे ट्रेनिंग होंगे, आईडी पासवर्ड्स बनेंगे, वेब पोर्टल का ट्रेनिंग होगा, प्री लॉन्च मार्केटिंग होगा, और ये बाद में शुरू होगा। तो ये बेसिकली सिंपल एक प्रोसेस है, और इसके अलावा टूल्स एंड इक्विपमेंट हम आपको देंगे, मार्केटिंग में आपका आउटलेट का बोर्ड, ब्रांडिंग, कैनोपी, स्टैंडी, लीफलेट, फ्लायर, स्टिकर, कीचेन, यूनिफॉर्म, डायरी, नोटपैड, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें हम आपको देंगे। ट्रेनिंग और ऑडिट के एंगल से कंटिन्यूस बेसिस पे होगा। टेक्नोलॉजी आपको 100% डिजिटल सिस्टम्स हम देंगे। सेल्स मार्केटिंग के एंगल से 3 महीने का पूरा मार्केटिंग हम करेंगे, पहले 3 महीने का कंप्लीट मार्केटिंग हम करते हैं, ये आपको और कोई फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं मिलेगा। पहले 3 महीने का कंप्लीट मार्केटिंग हम करते हैं, हम लीड जनरेट करके देते हैं और हम कस्टमर्स को ला के देते हैं, और बाकी बीटीएल एक्टिविटी, एटीएल एक्टिविटी हम करेंगे, और स्पेयर पार्ट्स भी आपको हमारे तरफ से टाइप होगा। तो हमारा इंटेंशन फ्रेंचाइजी फीस कमाना नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम 2025 तक 2000 लोगों को हमारे साथ जोड़े, और ये 2000 लोग हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा इनकम कमाए। आई एम कमिंग टू द लास्ट स्लाइड्स ऑफ द वेबिनार, मैं लास्ट स्लाइड में आ रहा हूँ, अगले 2-3 मिनट में ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, और ये 3 मिनट के बाद हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स हम शुरू कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको वापस एक तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जुड़े, आपने आपका कीमती समय हमको दिया, और मैं फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम को भी वापस एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बढ़िया वेबिनार होस्ट किया। आपको इतना समझ में आ गया कि आपका मोटा मोटा 40,000 से लेकर 70-80,000 का महीने का खर्चा हो सकता है, और 100 गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक इवन आ सकता है पैन इंडिया, और 300 गाड़ी के अंदर आपका महीने का 1,00,000 रुपए के आसपास आप निकाल सकते हो। इसके सामने भी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट में हमारे 2 मॉडल है, एक हमारा प्राइम मॉडल है विच इज 6 लाख रुपीज, और एक हमारा एक्सेस मॉडल है विच इज 5 लाख रुपीज। ये दोनों मॉडल इंडिया के सबसे सस्ते बिजनेस मॉडल है, यही मॉडल और यही ऑफरिंग आपको मार्केट में 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में भी मिल सकते हैं। तो बाइक दोस्त के
साथ जुड़ने में आपका स्ट्रेट अवे 3 से 4 लाख रुपए का डे वन पे आपका बेनिफिट हो जाता है। और आप अगर टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात करें, अगर मैं प्राइम मॉडल की बात करूँ तो 3.5 लाख के आते हैं, एक्सेस मॉडल में 3 लाख के आते हैं। ब्रांडिंग आपका बोर्ड और आपका इंटीरियर का पूरा ब्रांडिंग आपको हमारे तरफ से करके मिलेगा। कोलेटरल स्टेशनरी जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने का स्टॉक आपको मिलेगा, 3 महीने का कंप्लीट मार्केटिंग आपको हमारे तरफ से करके मिलेगा। मैन पावर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको मिलेगा, स्पेयर पार्ट की आपको किट मिलेगी और हमारी फ्रेंचाइजी फीस भी खाली 50,000 है। बाकी लोगों में किसी के 1 लाख है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 2 लाख भी है और कोई अपना फ्रेंचाइजी का टोटल फिगर ज्यादा बता के वहां से कमीशन मॉडल के वेंडर से लेके या फिर एक्स वाई जेड करके ये वहां से कमा भी लेते हैं, जो हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा जो भी अमाउंट में आपको बता रहा हूँ उनके हम आपको बिल दे सकते हैं, उनके वेंडर के साथ हम आपको बात करवा सकते हैं, उनके वेंडर के डिटेल्स हम आपको दे सकते हैं। आपको आपके वेंडर के थ्रू बोर्ड ब्रांडिंग टूल्स इक्विपमेंट्स करवाना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। तो हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और 50,000 इज द फ्रेंचाइजी फीस ओवरऑल। इसके अलावा जो हम मैनेजमेंट फीस लेते हैं 5,000 रुपीज, इसमें अगर आप हमको 53,100 इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब 45,000 प्लस जीएसटी ये अगर आप हमको डे वन पे दे देते हो 5 लाख के ऊपर या 6 लाख के ऊपर, तो हम आपसे एडिशनल 1 ईयर का मैनेजमेंट फीस नहीं लेते। और ये टोटल अमाउंट आपको हमको ट्रेंचेस में देना है, आपका टोकन से लेके इनॉग्रेशन के बीच में जो 20 दिन है, ये 20 दिन के अंदर आपको ये 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया हमको देना पड़ता है। और ब्रेक इवन आपका मोटा मोटा ऑपरेशनल ब्रेक इवन 3 से 4 या मैक्सिमम 5 महीने में आ सकता है। और आपका जो ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 से 18 महीने में रिटर्न आ सकता है। और बाकी कॉस्ट ऑफ इंटीरियर जो मैंने आपको बताया, इंटीरियर का मोटा मोटा 50,000 से लेकर 75,000 का आपका खर्चा हो सकता है। सिविल वर्क और साइट का सेटअप, मतलब आपका जो सिविल वर्क का सेटअप है वो और आपका इंटीरियर का जो खर्चा है वो आपका ये आपका पूरा एक्सपेंस आपको अलग होता है। आउटलेट अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसका डिपॉजिट आपका अलग से आपको देना पड़ता है। और एक वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल आपको आपके हाथ में रखना पड़ता है, मान के चलो 50,000 से 1 लाख रुपए। तो मोटा मोटा आपका जो 6 लाख वाला मॉडल है या 5 लाख वाला मॉडल है वो आपका 6.5 लाख तक चला जाता है, जो बाकी ब्रांड्स के साथ आपका 10.5-11 लाख तक भी जाता है। इसके अलावा दोनों मॉडल में मार्केटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, ऑडिट सपोर्ट और बिजनेस का हैंड होल्डिंग, ये सारे सपोर्ट सिमिलर है, ये सारे सपोर्ट आपको सिमिलर ही मिलेंगे, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है। सो मैंने आपको मेरी वेबिनार की सारी डिटेल्स बता दी है, आई होप आपको अच्छे से वैल्यू मिला होगा। नाउ वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो भी डाउट है आप पूछिए।